राशन कार्ड में जब भी हम किसी भी सदस्य का नाम डिलीट करते हैं या फिर किसी नए सदस्य का नाम ऐड करते हैं तो उसके बाद में हमें जो है राशन कार्ड प्रिंट करना होता है। राशन कार्ड को किस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आपको अपना ईमित्रा ओपन कर लेना है एंड उसके बाद में आपको डैशबोर्ड में यूटिलिटी टाइप सर्विस का चयन करना है एंड उसके बाद में आपको यहाँ सर्च करना है राशन कार्ड। तो राशन कार्ड आप लिख के सर्च करोगे इस प्रकार से राशन कार्ड की सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी सारी। यहाँ पे आपको इस वाले सर्विस का चयन करना है राशन कार्ड नेम यूज डिलीट वाले का। इसको चयन करके आपको जो फॉर्म नंबर एंड टोकन नंबर यहाँ से कॉपी करना है इस पर क्लिक करेंगे आपको यह थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए पूछेगा। तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको जो है फूड डिपार्टमेंट वाले जो साइट है इस पे आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑफिस का चयन करना है एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग फूड डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको मास्टर वाला ऑप्शन का चयन करना है। ऑल एप्लीकेशन डिटेल वाला ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ पर आपको ऑल ही रहने देना है एंड सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रकार से आपके सामने जो है टोकन नंबर शो हो जाएंगे। आपने आपके मित्रा पे जितने भी राशन कार्ड के फॉर्म चढ़ा रखे हैं उनकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो है आपने जो भी राशन कार्ड प्रिंट करना है वो यहाँ पे आपको रेडी टू प्रिंट शो होना चाहिए तभी जो है आप राशन कार्ड प्रिंट कर पाओगे। अगर आपके पेंडिंग में पड़ा है तो आप राशन कार्ड प्रिंट नहीं कर पाओगे। यहाँ से आपको जो फॉर्म नंबर कॉपी करना है इन फॉर्म नंबर को यहाँ से कंट्रोल सी करके आपको कॉपी कर लेना एंड उसके बाद में आपको वापस आ जाना है बैक टू ई मित्र। आप वापस डैशबोर्ड पे आएंगे यूटिलिटी टाइप सर्विस का चयन करेंगे। यहाँ सर्च करेंगे राशन कार्ड। उसके बाद में आपको यहाँ पर राशन कार्ड प्रिंट वाली जो सर्विस है इसका चयन करना है। ये वापस आपसे थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए पूछेगा। आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वापस आपको जो है फूड डिपार्टमेंट के मेन वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको वापस ऑफिस का चयन करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से वेबसाइट वापस ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आपको प्रिंट कार्ड वाली सर्विस का चयन करना है। इस पर क्लिक करेंगे। प्रिंट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म नंबर कॉपी किए हैं उनको यहाँ पर पेस्ट कर देना या फिर एंटर करेंगे। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके राशन कार्ड की जो डिटेल है वो आ जाएगी। यह फॉर्म संख्या राशन कार्ड संख्या एंड जिसके नाम से जो राशन कार्ड है वो देखने नाम उसका देखने को मिलेगा। जनरेट टोकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे जो है टोकन जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको टोकन देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद में प्रिंट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो राशन कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जहाँ पे भी जिस भी फोल्डर में डाउनलोड करके रखा उसको ओपन करेंगे एंड इस प्रकार से आपको राशन कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब ये सिग्नेचर वेरीफाई करना है तो सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा और वो ऐप आप किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं उसका डेडिकेट वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखा है। आप को जो है उसी ऐप में ही आप इसके जो सिग्नेचर वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ से इसको ओपन विद वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी फॉक्सिट रीडर 9.0 वाला वर्जन है। आप इसमें अपने जो सिग्नेचर है राशन कार्ड के वो वेरीफाई कर पाओगे। आपको इस पर ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉक्सिट रीडर 9.0 वाले वर्जन में जो है यहाँ पे मेरे सिग्नेचर वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसका जो प्रिंट है आप यहाँ पर कंट्रोल पी करके भी इसका जो प्रिंट आउट आप ले सकते हो। इस प्रकार से आप राशन कार्ड का जो प्रिंट निकाल सकते हो रेडी टू प्रिंट को प्रिंट आउट कर सकते हो किसी भी सदस्य का अगर नाम आपने ऐड किया है या फिर नाम डिलीट किया है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। ईमित्र से रिलेटेड और भी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। राशन कार्ड से रिलेटेड और भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट पर देखने को मिल जाएंगे। आप विजिट कीजिए चैनल पर और प्ले लिस्ट में जाकर आपको जो भी समस्या आ रही हो वीडियो चेक कीजिए और समस्या का समाधान आप कर सकते हैं राशन कार्ड से संबंधित। तो मिलेंगे जल्दी ऐसे और भी वीडियो।